श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आज मैं आप लोगों को पशुपतिनाथ व्रत की पूजा विधि विधिवत तरीके से शिवालय में जाकर करके दिखाऊंगी। पशुपति व्रत 5 सोमवार का व्रत होता है और इसे हम एक ही शिवालय में जाके करते हैं। 5 सोमवार की पूजा हमें एक ही शिवालय में करना है। सुबह और शाम की पूजा उसी शिवालय में करना है, हमें शिवालय बदलना नहीं है। मैं यहाँ पूजा की पूरी थाली सजा ली हूँ। अगर आपको पूजा के लिस्ट की वीडियो देखना है तो आप मेरे चैनल में देख सकते हैं, मैं उसका लिंक भी यहाँ पे दे दूंगी। और मैं आपको विधिवत पूजा करके दिखाऊंगी। मैं शिवालय में बहुत धीरे बोलूंगी। सबसे पहले हम यहाँ इस तरीके से शिव जी को हम जल चढ़ाएंगे। पहले अभिषेक करेंगे हम शिव जी का। तो पहले मैं दूध से कर रही हूँ, पहले दूध से, फिर दही से, फिर घी, शक्कर और मधु, इस क्रम में करना है। और जितने बार आप जो भी सामग्री डालेंगे उसके बाद पानी डालना जरूरी है। इस तरीके से पानी डाल देंगे। इसके बाद मैं दही से करूंगी। इसके बाद फिर जल डालेंगे। घी है, घी से अभिषेक करूंगी मैं। फिर जल डालेंगे। लास्ट में मधु से। इसके बाद मैं बेलपत्र चढ़ा दे रही हूँ। ये देखिए, 5 बेलपत्र चढ़ा दीजिए, आपको जितना बेलपत्र मिले। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उसके बाद शमी का पत्र है, शमी पत्र मिले तो शमी पत्र चढ़ा दीजिए। इसके बाद धतूरा मिले, शिव जी को धतूरा बहुत पसंद है तो इसलिए धतूरा मिले, धतूरा चढ़ाइए। इसके बाद मैं फूल चढ़ाऊंगी। तो यहाँ पे है आंकड़े का फूल, देखिए आंकड़े का फूल चढ़ा रही हूँ। शिव जी को सफ़ेद फूल भी बहुत पसंद है और शिव जी को सफ़ेद फूल, और इसके अलावा जो फल फूल मिले वो फूल चढ़ा लीजिए। देखिए यहाँ पे भी चढ़ा दूंगी मैं। इसके बाद हम फल चढ़ाएंगे, जो भी आप भोग का सामग्री लाए हैं। तो मैं यहाँ ऊपर ना चढ़ा के मैं नीचे चढ़ा रही हूँ। देखिए इस तरीके से जब भी चढ़ाए नीचे चढ़ाए शिव जी को। देखिए इस तरीके से शिव जी को नीचे चढ़ाइए। ये लाल चंदन है, इसे आप इस तरीके से ऊपर में ना 12 जीव होता है ना, क्योंकि वो ऊपर के छत में और चढ़ जाएंगे 12 जीव नहीं। ये पार्वती जी का भाग है तो यहाँ पे सिंदूर लगाएंगे। शिव जी को जल में अर्पण करेंगे। यह
कलेवा कलेवा नहीं बन कर दे ये है काला तिल, ये है गुलाल, ये मेरे पास येलो गुलाल है, मैं येलो गुलाल डाल रही हूँ। दक्षिणा अक्खा चावल, शिव जी को अक्खा चावल भी चढ़ता है तो अक्खा चावल चढ़ाएंगे। इसके बाद हम दिया जलाएंगे। दिया, अगरबत्ती और साथ में ही ये धूप बत्ती। ये है धूप बत्ती। इस तरीके से तीनों को जला देंगे। हमेशा दिया नीचे रखिएगा, ऊपर नहीं रखिएगा। शिव जी के लास्ट में हम पान, लौंग, इलायची और सुपारी चढ़ा देंगे इस तरीके से। यहाँ पे हम पार्वती जी को भी सिंदूर लगाएंगे। गणेश भगवान है आरती के। अच्छा सर, और पार्वती जी के लिए लाल फूल अर्पण करेंगे। मैं नीचे रख दे रही हूँ। शाम की पूजा के लिए मैं यहाँ पे सूजी का हलवा बना रही हूँ। प्रसाद के लिए हम घर से ही कुछ बना के ले जाते हैं, या तो आप आटे का हलवा बनाइए, सिंघाड़े का हलवा बनाइए, सूजी का, जिस चीज़ का भी हलवा आपको बनाना है बना सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा बनाऊँगी जिससे कि यहाँ वहाँ पे प्रसाद चढ़ाएंगे और कुछ खाएंगे। ये प्रसाद और घर में किसी को नहीं देना है, इसलिए मैं थोड़ा सा हलवा यहाँ पर बना रही हूँ। ये पशुपति व्रत की शाम की थाली है। जो थाली हम सवेरे लेके गए थे उसमें का ही सब सामान यहाँ पे बचा हुआ है। देखिए, काला तिल, हल्दी, गुलाल, सिंदूर, भस्म, लाल चंदन और ये है पीला चंदन। तो इस तरीके से, और मैंने बेलपत्र भी एक बचा लिया है यहाँ पे, कुछ फूल बचा ली हूँ, चावल बचा ली हूँ। इस तरीके से जितने सामान बच गए हैं उसको हम अभी डालेंगे और इससे हम पूजा करेंगे। एक्स्ट्रा सामान हमें कुछ नहीं ले जाना है। और जो थाली हम लेके गए हैं इसे धोना भी नहीं है, जिस तरह से ले गए हैं उसी तरह से शाम को भी लेके जाना है। तो इसे ये नहीं कि धो के हम फिर नया से सजा रहे हैं, उस तरीके से नहीं। देखिए, फूल भी थोड़ा मुरझा गया है क्योंकि सवेरे का फूल है। अगरबत्ती भी इसमें बचा हुआ था, तो ये अगरबत्ती है, ये अच्छा था यहाँ पे। देखिए,
और अग्नि को अपना घर से ले जाना है। इस समय हमें ऐड करना है यहाँ पे 6 दिए, घी के 6 गोल बत्ती वाले दिए ऐड करेंगे यहाँ पे, और इसका हम 6 दिया ले जाके वहाँ पे पूजा करेंगे। तो इसमें से 5 दिया हम मंदिर में लगाएंगे और 1 दिया हम अपने घर के लिए लेके आएंगे। इसे जलाना नहीं है, इसे ऐसे ही लेके आना है, और 5 दिया वहाँ पे हम जला देंगे। इसके साथ ही प्रसाद के लिए मैं यहाँ पे हलवा ली हूँ, ये देखिए हलवा ले जाऊँगी। हलवा वहाँ पे ले जाके 3 जगह बांटना है, तो इसके लिए मैं 2 एक्स्ट्रा कटोरी रख ले रही हूँ, जिसमें मैं मंदिर में प्रसाद चढ़ाऊँगी इसमें, और 1 हलवा में अपना घर अपना खाने के लिए लाऊँगी। यहाँ पे इस बात का ध्यान रखिएगा कि हलवा जो व्रत किया है उन्हीं को खाना है और किसी को नहीं देना है उसमें से। तो ये हलवा सिर्फ आप ही खाइएगा, और घर में किसी बच्चे या बड़े या बूढ़े किसी को भी इसमें से शेयर नहीं करना है। तो इस तरीके से हम ये शाम की थाली है, और मैं साथ में 1 चम्मच रख रही हूँ, जिससे कि हलवा को वहाँ पे हमें डिवाइड करने के लिए सुविधा रहेगा। और शाम में हमें अभिषेक नहीं करना है, सिर्फ जल का छींटा देना है शिव जी के ऊपर। तो इसके लिए मैं यहाँ पर वही लोटा ले जा रही हूँ जो मैं सुबह में लेके गई थी। इसमें मैंने गंगा जल और नल का जल मिला के लिया है, क्योंकि गंगा जल अगर कम है तो आप इसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए, और थोड़ा सा साफ़ पानी घर का नल में से मिला लीजिए, तो ये गंगा जल तैयार हो गया है। इस तरीके से मैं यहाँ पे गंगा जल लेके जाऊँगी। यहाँ पे हम 6 दिया को पहले नीचे उतारेंगे, और ये जो प्रसाद लाए हैं हम घर से बना के, इसको भी हम 3 जगह करेंगे। प्रसाद को 3 जगह कर दिया है, देखिए 2 प्रसाद हम छोड़ के जाएंगे और 1 प्रसाद हम लेके जाएंगे। और इस तरह से हम दिया यहाँ पे 5 दिया जलाएंगे, 1 दिया को हम अपना थाली में रख लेंगे। तो इस तरीके से मैंने इसे नीचे उतार दिया है सबको शिव जी के पास। शाम को भी हम जल चढ़ाएंगे, जल से सींचेंगे इस तरीके से, बेलपत्र है बेलपत्र चढ़ा देंगे, फूल चढ़ा देंगे, काला तिल, गुलाल, भस्म, चावल, लाल चंदन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस तरीके से हल्दी, हल्दी ऐसी चढ़ा दे रही हूँ। ये है सफ़ेद पीला चंदन, पीला चंदन है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए चढ़ाइए। और ये बीच में है पार्वती जी का स्थान, तो यहाँ मैं सिंदूर लगा दे रही हूँ। अब इसके बाद हम दिया जला लेंगे। ये सब लाल चंदन से मिट्टी को रही हूँ, लाल चंदन लगा रही हूँ सब में। यहाँ पे हम 5 बत्ती जलाएंगे, 5 दिया जलाएंगे और इनको हम घर ले जाएंगे। तो मैं 5 जला दे रही हूँ। अब इसमें से हम 1 प्रसाद उठा लेंगे और 1 दिया उठा लेंगे, देखिए दिया घर ले जाएंगे इस तरीके से, प्रसाद और दिया उठाकर। एक दिया जो हम लेकर आए हैं वो अपने घर के दाहिने हाथ की तरफ, राइट हैंड की तरफ इसे जलाना है, जला के तब हम अंदर जाएंगे। इस तरह से मैं पशुपति व्रत की पूरी विधि आपको करके दिखाई हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और मेरे चैनल में नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।